जैसे कि आप जानते हो कि हमारे YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे खास खास मित्र हैं, तो हमने क्या क्यों ना उनका आज फायदा उठाया जाए, उनसे कुछ ना कुछ डेयर लिया जाए। बट मैंने सोचा था कि मैं उनका फायदा उठाऊंगा, बट उन्होंने मेरा फायदा उठाया, क्योंकि आज जो मुझे डेयर मिले भाई, कसम से मेरे हिसाब से पूरे YouTube पे ऐसे डेयर कभी किसी को नहीं मिले होंगे। मेरे खास मित्र समझा था मैंने इन सबको, बट इन्होंने मेरे से दुश्मनी निकाली है। तो आओ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और तुम लोग देखना कि मेरे को कैसे कैसे डेयर मिले हैं, और आप लोग भी हंसने वाले, क्योंकि लिटरली भाई स्केरियस डेयर एवर है। जैसे कि आप पहले डेयर पे आ जाओ, सबसे पहला मेरे को दिया है मिथपैट भाई ने, और मिथपैट सर को मैंने कहा प्लीज सर हमें एक अच्छा सा डेयर करने को दे। तो उन्होंने मेरे को क्या डेयर दिया, रास्ते पे चड्डी बनियान और मास्क पहन के घूमो और दुकान में जाके पान मसाला खरीदो विद चड्डी बनियान। कच्चे ले लो सीरियसली, मतलब ये डेयर है, मतलब मैंने बोला ये इम्पॉसिबल है, बट फिर मैंने सोचा क्यों ना ये करा जाए। अरे जरा बारी बारी से आने दो, आज हमें ये करना है। तो सबसे पहले हमें जुगाड़ करना था चड्डी का और बनियान का, कोई थोड़ी बड़ी चड्डी, ये नहीं भाई वी चड्डी नहीं, थोड़ी बड़ी चड्डी पहन के बनियान पहन के तैयार होते हैं, फिर आते हैं करते हैं मित्र भाई का डेयर। लेट्स गो। नहीं भाई यूएस पोलो के बॉक्सर शॉर्ट्स है ये, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट निकले ये शॉर्ट। मतलब देखो मेरे को आदत है शॉर्ट्स पहनने की, बट वो थोड़ी बड़ी होती है, इसमें बहुत नंगा नंगा फील हो रहा है। बट अब यहाँ से चलते हैं नीचे, और मास्क भी पहन लिया, सब पहन लिया। अब लेके आनी है हमें विमल पान मसाला, विमल पान मसाला मिलते हैं, हमारा डेयर हो जाएगा कम्प्लीट। लेट्स गो। हाँ जी भैया, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा एकदम बढ़िया डोले कर रहा है, मास्क पहन लो। देखो पान मसाला लेना था, मिल तो यहीं पर रहा, दिखा दो आज दिखा दो सर, आगे दिखा दो यार। कितने का विमल पान मसाला? पाँच रुपये। कितना? दो। एक तेरा एक मेरा। हाय मैं मिथपैट भाई के लिए ले रहा हूँ मैं, और लिटरली लोगों को लग रहा है पता नहीं मैं कौन से पान मसाला खा रहा हूँ, ऊपर से लोग मेरे को देख रहे हैं, वो कह रहे भाई पनवाड़ी पे क्या कर रहा भाई। मिथपैट सब बदला लूंगा मुंबई आके। हेलो, मेरी आउटफिट कैसी लग रही है? एकदम बढ़िया। ये चड्डी बनियान बढ़िया लग रहा है। ये मिथपैट भैया ने मेरे को डेयर दिया था कि ऐसे चड्डी बनियान में घूमना है। हमने आपकी वीडियो बना ली इंस्टाग्राम पे, वीडियो डाल दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ऐसे मत डालना यार चड्डी बनियान में, नहीं भाई मेरी फोटो खींच के मत डालना प्लीज। बाय। विमल पान मसाला आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मत खाना। बस मेरा डेयर हो गया कंप्लीट, जैसे मिथपैट भाई ने बोला था वैसा हमने कर लिया। यहाँ चलते हम अपने नेक्स्ट डेयर की तरफ। लेट्स गो फैट। अरे भाई क्या हो गया तुझको, क्या सोच रहे हैं? अगला डेयर मेरे को मिला है फूडी वी से, जो डेयर है बाल करा लो रेड कलर के, रेड कलर के बाल, मतलब मेरे को अब कलर कराने पड़ेंगे बाल, क्योंकि भाई जो डेयर मिला वो तो मैं करूंगा। तो इस डेयर पे जाने से पहले मैंने कहा भाई एक छोटा सा डेयर और कर लेते हैं, जो हमें दिया हमारे प्यारे सौरभ भैया ने कि आप अपनी मम्मी के लिए फेवरेट डिश बनाओ उनकी। तो लेट्स गो, बनाते हैं मम्मी के लिए फेवरेट डिश, उसके बाद हम जाने वाले अपने बाल कलर कराने, वो भी रेड। और right, मम्मी तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? क्यों तुझे नहीं पता? मेरे हिसाब से पिज्जा आपको ज्यादा पसंद है ना? हाँ, तो तुझे पता होना चाहिए ना, पिज्जा ही है। हाँ। देखा हाँ। तो आज मैं आपके लिए आप फेवरेट डिश पिज्जा बनाने वाला हूँ। आज तो मेरा व्रत है। अरे हाँ, मम्मी का तो फास्ट चल रहा है, तभी तुझे बोल रहा है। नहीं मतलब मेरे को याद नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट और लास्ट फास्ट रखता हूँ, मम्मी सारे फास्ट रखते हैं, याद आ गया। तो मम्मी सिर्फ उसे व्रत के चिप्स खा सकती है, मखाने तो खा सकते हो ना मम्मी? तो ये मैं आपको, मेरे को डेयर मिला, ये मैंने ही बनाया, ये मेरी तरफ से। वैसे भी मेरे हाथ का पिज्जा बना के मम्मी खुश ना होती, कि मैं बहुत बड़ा नूब हूं कुकिंग में। इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है मेरे पास, अगर मैं मम्मी को गोल्ड गिफ्ट कर दूं, लाइक लिटरली इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो जाती और गिफ्ट का गिफ्ट हो जाता। एंड लिटरली हम इंडियंस में तो भाई हर बंदे को एस्पिरेशन होते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, और हमारे रिचुअल्स में इतना गोल्ड लगता है कि जब हमारा टाइम आता है गोल्ड लेने का हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि भाई गोल्ड का प्राइस हमेशा बूम कर रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा अपस्टॉक्स गोल्ड के बारे में, जहां पर आप डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक लिटरली आप 99.9% 24 कैरेट प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आपको 5-8% जो एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस शॉपकीपर्स लेते हैं वो पे करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 3% एक्स्ट्रा जीएसटी आपको पे करना होता है जो इस पे लगता है। एंड लिटरली इसका इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली है, इसके 30 लाख प्लस कस्टमर्स हैं, एंड इट इज लव्ड बाय एवरीवन अक्रॉस स्मॉल टाउन एंड मेट्रो सिटीज। लाइक आप कहीं पर भी बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आपको बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, आप 1 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप लोग अपने पॉकेट मनी से पैसा सेव कर सकते हो और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड अपने मम्मी पापा को गिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारे को दिया है ऋषभ भाई ने, ऋषभ राणा, और इन्होंने मेरे को डेयर दिया, मतलब मैंने इनको मैसेज करा ऋषु भाई एक धासु सा डेयर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो उन्होंने कहा रुकिए जरा सबर करिए, फिर उन्होंने मेरे को ये वॉइस नोट भेजा, तो लेट्स लिसन टू इट। तो भाई ये डेयर आता है दो ऑप्शंस के साथ, सो नंबर 1 ईदर यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स एंड एंटायर फैमिली कि जो लिमोजिन आप लास्ट फ्लोर में चला रहे थे वो आप खरीदना चाहते हो, एंड यू हैव टू कन्विंस देम टू बाय इट।
नाउ सेकंड ऑप्शन इज कि आप सुने सीधा बोलो कि भाई ऐसा है, मैं मेरे को लिमोजिन पे आ गया दिल और मैं वो लिमोजिन खरीद रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं सुन रहा किसी। रीशु भाई मतलब मेरे को मरवा रहे हो मतलब मैं अपने घर वालों को बोलूं कि भाई लिमोजिन मैं लेके आ रहा हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उनके बिना किसी परमिशन के कुछ लाऊं, क्योंकि एज यू ऑल नो इंसानों का बाप ही हैंडल्स ऑल द अकाउंट, सो डैडी डजंट अलाउ मी टू गेट एनीथिंग ऑन माय ओन, सो अब मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, पापा प्लीज पापा लिमोजिन ले दो पापा। राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो लेट्स सी उनका रिएक्शन क्या होता है, मेरे को पता है मार मार के भगा देंगे, आ जाओ देखते हैं। पापा मम्मी आप दोनों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरे एक तो इतने फोन है घर में, समझ नहीं आता कहीं भी नीचे फोन आ जाए। आप अपनी आज की वीडियो एक बार बंद करो मम्मी। पापा पापा जो हमने लास्ट व्लॉग में लिमोजिन ली थी, सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी का बिल्कुल परफेक्ट सूट करती है, आप वो लिमोजिन ले लो। हमें क्या पता, हमें तो दिखाई भी नहीं। मैं आप ही यार उस वक्त आपको वैक्सीन लगी थी इसलिए आपको दिखाई, बट मैं आपको बहुत अच्छी राय दे रहा हूँ मम्मी पापा, हमें लिमोजिन ले लेनी चाहिए। लिमोजिन का स्पेलिंग बता दे। LIMOUSINE। ये तो मुझे भी पता कि सही आगे बढ़ा। पर पापा देखो सीधी बात है, ज्यादा महंगी नहीं है लिमोजिन, मेरे हिसाब से 2-2.5 करोड़ की है। ऑफ रोड ना, ऑन रोड तो नहीं ना। अरे ऑफ रोड एक्स शोरूम प्राइस, देखो मैं सर्च कर देता हूँ लिमोजिन। तूने कितने कमाए पहले ये बता यार, तेरा कंट्रीब्यूट कितना है यार। देखो कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं, फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि लिमोजिन अगर आपने मेरे को नहीं खरीदवानी तो लिमोजिन के 2 टायर ले सकता है बस। मेरे इंसल्ट मत करो। देखो चलो ऐसा कर लेते हैं, देखो 30,000 रुपए दिन की मिलती है दिहाड़ी पे, 9,00,000 रुपए तो कर सकते हैं, 1 महीना दिहाड़ी पे ले लो, बस 1 महीने के लिए हम लिमोजिन में जहाँ जाएंगे लिमोजिन में जाएंगे, लोग देखेंगे टोरा होगा अपना। और क्या चाहिए बेटा, टोर तो साइकिल पे होता है, टोर साइकिल पे ही सब साइकिल। हाँ टोर जब साइकिल चलाएगा तो लोग देखेंगे, लिमोजिन में तो अंदर नजर भी नहीं आएगा बैठा हुआ तू। यार पापा अब आप लेके दे रहे हो, लेके दे रहे हो नहीं वो खेलने का ही नहीं यार। तो हम फाइनली आ गए यहाँ पर रेड कलर के बाल कराने। भैया सूट करेगा मेरे पे रेड कलर बाल? आप क्या सोच गया रेड कलर कराने का? भैया एक्चुअली मेरे को किसी ने डेयर दिया है और उनको ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कहा क्यों ना करा जाए और फिर उसके बाद ना डांस भी करा जाए। मैं पूछा फ्री अच्छा लगेगा रेड कलर? देखो ये कह रहे अच्छा लगेगा, हाय राम मतलब अपना काम कह रहा, चल काम तो मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं। तू लाल करा चाहे पीले करा मेरे को क्या लेना देना, आप भी करा लो मेरे साथ लाल। नहीं आपके ऊपर अच्छा लगेगा। ये वही है जिन्होंने मेरे ब्लाइंड हेयर कट करा था, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। और लेट्स सी अब रेड कलर हमारे बालों में कैसा लगता है, और अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं इनके भी रेड करूँ। तो लेट्स गो, लेट्स गो। हां मैं छापरी, ये डेयर मैंने करा है फूडी वालों के लिए, और अगर परमानेंट कराना पड़ जाता ना मर जाता कसम से। मेरा दिमाग तेज दौड़ा तो मैंने एक ऑल्टरनेट निकाला कि परमानेंट नहीं तो टेम्पररी, जो उनका डेयर पूरा कर दिया उन्होंने बोला हेयर कलर रेड करो तो मैंने रेड कर दिया। अब ये नहीं उन्होंने बोलता कि परमानेंट या टेम्पररी, तो यस वी हैव डन इट। वीडियो लाइक कर दो भाई, इसके लिए तो बनता है लिटरली यार, इतनी मेहनत के लिए तो बनता ही है। तो ऐसे चलते एक बार अपने दोस्तों का रिएक्शन लेते हैं, कैसा लग रहा हूँ। हाय उमर कर दिया, कैसा लग रहा? क्या करवा लिया? सही बताइयो कैसा लग रहा? वही टिकटॉक स्टार लग रहा है। कौन सा? ला भाई एक छपरी बन गया तू, बिल्कुल हीरो लग रहा। छपरी हाँ मैं छपरी हूँ यार, अच्छा लग रहा है भाई। ये अभी चल मेरे साथ, अभी चल पहले बाल खा लगा के आते हैं, ऐसे बिल्कुल बेकार लग रहा है भाई। रेड ब्रो अभी दुनिया देखती जा रही है, दुनिया ऐसे देख रही है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया यार। भैया ये लाल बाल अच्छे नहीं लग रहे? बहुत भैया एक बात बताओ, लाल बाल अच्छे नहीं लग रहे? बढ़िया लग रहा है एकदम। बात बता, ये परमानेंट है? हाँ हाँ सही बता। हाँ भाई टेम्पररी कलर कोई होता है भाई? ये क्यों करवाया तूने? मेरे को एक्चुअली वो टिकटॉकर के व्यूज ज्यादा आते हैं ना, तो मैंने कहा भाई मैं भी टिकटॉकर बनूंगा। भाई यूट्यूबर बहुत बढ़िया लगता है, तो क्यों कर लिया? स्टाइल अच्छा लग रहा है यार, मतलब एक बार देख। छपरी सबके पास काले बाल होते हैं, मेरे पास आज से लाल बाल है। छपरी वाले गाने से ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए भाई। मैं हूँ छपरी।
ओके, तो नेक्स्ट डे हमने को दिया था वजाहत भाई ने। वजाहत भाई ने कहा था कि भाई तुम जलेबी वाले के पास जाओ और वहाँ पर जाके सीधी सीधी जलेबी बनवाओ उनकी तरह। मैं जैसे टेढ़ा हूँ, जलेबी टेढ़ी होती है, ऐसा उन्होंने बोला कि टेढ़ी जलेबी नहीं बनानी है, आपको सीधी सीधी जलेबी बनानी है, जबकि सबसे टेढ़े बंदे वही है। बट मैं विद माई रेड हेयर आई एम गोना गो एंड ट्राई की सीधी जलेबी बन जाए, क्योंकि एक बार मेरे को मना कर दिया गया कि सीधी जलेबी बनती नहीं, लेट्स सी बन पाएगी नहीं बन पाएगी, लेट्स गो फैम। भाई बड़ा इंसल्टिंग फील हो रहा है, वो कहेगा भाई कोई छपरी यार, भैया सीधी सीधी जलेबी बनानी है, टेढ़ी नहीं बनानी, बन जाएगी जैसे आप ये गोल गोल बनाते हो, सीधी लाइन बनानी है, बन जाएगी है भैया, कह रहे बन जाएगी, ये लो बना देना। हाँ स्केल की तरह कोई बनेगी, स्केल से नाप भैया, वो अब देखो फिर मुड़ गई भैया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं पहले भैया, यहाँ पर सीधी बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं पर वो टेढ़ी हो ही जा रही है, ये सीधी नहीं हो बेटे, पांच कर दी बेटे, भैया एक सीधी और खींच दो। ओके, तो सीधी जलेबी बनाने की कोशिश तो पूरी करी पर वो टेढ़ी ही बनानी पड़ रही है, तभी बन रही है सीधी, बस दो चार लाइनें बीच में आ जाएंगी एंड दैट्स हाउ इट इज। तो यहाँ से चलते हैं, मम्मी पापा भी आ रहे हैं, उनको दिखाते हैं अपने बाल, क्या बुरा हाल करके आया उनका बेटा। लेट्स गो फैम। हां मैं छापरी। ऑलराइट, तो सीधी जलेबी पे हमें ये मिला है। वजाहत भाई मिशन अकम्प्लिश्ड, सूप बनाने वाली ब्रेड स्टिक्स लग रही है वही। ओके, तो नेक्स्ट डे मेरे को दिया है समरीन ने। समरीन ने मेरे को बोला है कि आपको पब्लिक प्लेस में जाना है और जोर से बोलना है कि सुनो सुनो सुनो, एक बड़ी अनाउंसमेंट है और मेरी शादी पक्की हो गई है और आंसू भी दिखाने हैं खुशी के, ये भी ठीक है, और वहाँ किसी लोगों को पर्सनली इन्वाइट भी करना है। तो सबसे मुश्किल मेरे को यही लग रहा है क्योंकि मेरे को थोड़ा शाइनेस फील हो रही है सबके सामने जाके ऐसे करने के लिए, बट डरने का नहीं, झुकने का नहीं, सारे डेयर्स करने का, तो थोड़ा शोर मचा ले और मेरे भाई। तो लेट्स गो बैक। एक पानी की बोतल देना, थोड़े आंसू निकालने हैं, ये आंसू निकालने के लिए मेरे पे अंकल, मेरी शादी फिक्स हो गई अंकल, पहली बार कोई लड़की मानी है मेरे से शादी करने के लिए, बढ़िया हो गया, जो खाए वो मस्त है, जो ना खाए वो मस्त है, बिल्कुल पहली बार कोई मेरे से शादी करने के लिए माने, तो अगर आप लोगों को पर्सनल इनविटेशन है मेरी शादी पे जरूर आना, जैसे वो कहते हैं ना मेरे चाचू की शादी में जरूर वैसे आना, तो वैसे कोई लड़की मानी नहीं है पर ये मेरे को ढेर मिला था, तो आप सारे ऐसे कर सकते हो, मान जाएगी कोई तो मान जाओ यार, चलते भाई यहाँ से, बहुत बेइज्जती हुई यार। मेहर, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? देख मैं तेरा मुंह मीठा कराने आया हूँ, तेरे भाई ने लाल, अच्छा तेरा फास्ट है, सब पे फास्ट है, मैं तेरी शादी में ऐसे आऊंगा लाल कलर के बाल लेके, सही लग रही है, देख कैसे लग रहे हैं, ये मेरी बहन है जिसकी शादी होने वाली है, मेहर अच्छे लग रहे, टिकटॉकर नहीं लग रहा, नहीं ऐसे ही रहेंगे लाल रेड बिल्कुल। एक्चुअली पापा ने रेड कलर का कोट लिया तो उस हिसाब से मेरे बाल मैच करेंगे। चाचू नमस्ते, मैं अपने बाल दिखाने लाया हूँ आपको, कैसे लग रहे हैं? लाल लाल। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेहर कह रही मेरे को अच्छे लगे, बहुत अच्छे लग रहे। अच्छा वैसे जेन्युइन बता रहा हूँ, चाचू पहले जिन्होंने बोला मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, इससे पहले किसी ने नहीं बोला अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सही बताओ, देखो जेन्युइन बता, आपका भी फास्ट है, अरे यार मैं तो मुंह मीठा कराने लगा था लाल जलेबी से, लाल लाल बाल, अच्छा प्रधान का है कैसा? रूही का राजकुमार राव। रूही का राजकुमार राव, देख मैं तेरा मुंह मीठा करवाने आया हूँ, खा जलेबी, अच्छे लग रहे ना लाल बाल। अच्छा चाची फाइनली, चाची आपका रिएक्शन देखो, चाची कैसे लग रहा है? यार ठीक है चाची, कह रहे ठीक है। तू बड़ा हाया है कर रही है। Alright, तो finally, रिगु भाई कमेंट करने वाले मेरे रेड बालों पे। क्या ट्रिगर्ड इंसान रिएक्शन वाला रिएक्ट करने वाला है इसके छपरी हेयर स्टाइल पे? मैं छपरी वाला डांस भी करके आऊं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसा पान चबा के पान की पिचकारी चलाई और तूने अपने बाल रख दिए, ये लो भाई रंग दो, ऐसा वाहियात लग रहा है ना, जैसे ही घर के अंदर एंटर करा मैं देख के हैरान हो गया, मैंने कहा यार मेरा भाई है ही नहीं, मेरा भाई हो ही नहीं सकता, इसको घर से बाहर निकाल दो, मम्मी पापा घर पे नहीं है, इसको ऐसी हालत में देख लेंगे, इसको अपनी एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे। कहेंगे इस पापा ने कहा ना इस दिन के लिए इसको पाल पोस के बड़ा करा है कि एक दिन ये हाथ भी नहीं लगा सकता पहले आते ही कहता है कैसा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल, आई वाज लाइक कि तूने परमानेंट तो नहीं करा लिया, कह रहा हाँ परमानेंट है, मैंने कहा भाई रिएक्शन देने से मना कर दिया, चल चल जा भाई तू घर छोड़ दे, तेरी अब कोई जरूरत नहीं है हमें, हमें छुट्टी दे दे, आप जाए आप अपना रहे, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप क्या है ये, एक बार शक्ल देखो इसकी, कसम से ऐसा नहीं लग रहा है।
मैं नहाया अभी न्यू सो के उठ के आया हूँ फिर भी इतना कह सकता हूँ तेरे से बेटर ही लगे रहोगे बाल यार यू नो रेड समथिंग डिफरेंट अबे डिफरेंट डिफरेंट के नाम पे भाई ऐसा इतना वाहियात थोड़ी ना कि जिसको देख के भाई आंखों को ऐसा वो सदमा लग जाए कि भाई ये क्या देख लिया सो ब्यूटीफुल अभी तो मैंने दाढ़ी नहीं रेड करवाई सोच दाढ़ी रेड करवा लेता तो वैसे तेरे को करा लेनी चाहिए एक्चुअली मैं यू नो व्हाट इस वीडियो पे ना 1 मिलियन 5 लाख में बिक जाएगा ये तो बहुत सस्ता है 5 लाख लाइक्स पे ये बंदा जो है दाढ़ी भी रेड करा लेगा अभी कर दो 5 लाख लाइक्स कर दो मेरे को देखना है पाल भी लाल दाढ़ी भी लाल क्या मस्त लगेगा एकदम उसके बाद पान मसाला उसके बाद बस एक ही चीज है वो ऐसे ऐसे करियो फिर आप भैया करते हुए बस भाई बहुत बेइज्जती हो गई इस तरह तो मैं सह नहीं पाऊंगा रहने ऑलराइट तो फाइनल डे मेरे को मिला है क्लिक अप पिक्चर वेयरिंग साड़ी विद प्रॉपर मेकअप एंड पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम इट शुड बी अ स्टैटिक पोस्ट एंड नॉट अ स्टोरी एंड ये डे मेरे को दिया है प्रगति वर्मा ने एंड इसने मेरे से पूरा बदलाव उतार लिया है लाइक लिटरली इसको भी मैंने बहुत खतरनाक डेयर दिया था इसके बारे में एंड अगर आप चाहते हो मैं डेयर करूं मैं डरता नहीं मैंने लाल कलर के बाल करा दिए सीधी जलेबियां बनवा दी और चड्डी बनियान में घूम लिया मैं सारे डेयर कर सकता हूं करने को मैं ये डेयर भी कर देता बट वीडियो लंबी हो रही तो मैंने कहा अगर इस वीडियो पे आते 5 लाख लाइक्स 5 लाख लाइक्स अगर इस वीडियो पे आप देते हो तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट में इसका डेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मेरे को डेयर दिया तो इफ यू वांट टू सी पार्ट 2 डू लाइक द वीडियो कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग फैमिली विद रेड हेयर रेड या पिंक समझ नहीं आ रहा थैंक यू फैमिली बाय बाय ऑल्सो फैमिली आप शॉक्स पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि भाई अर्ली एज पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए प्लस आप अगर आप ओपन करते हो अकाउंट तो आपको मिलेगा ई गोल्ड वर्थ 51 तो वेट किस बात कर रहे हो लेट्स डू इट